लोगों ने तय किया है खुदा फील्ड और गांधी मैदान में रैली हम लोगों की लेकर गिनती के लिए और सासाराम जो प्रभारी नियुक्त होने के कारण हम लोगों ने 3 विधानसभा सीट पे जो जदयू और बीजेपी माइनस सीटें हैं उस पर जोरदार तैयारियां चल रही है। 3 सीटों को हम लोग बीजेपी से लेंगे और यहाँ 3 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। हो सकता है कि 3 के बदले 4 हो जाए लेकिन 3 सीट हम लोग रोहतास में लेना तय करेंगे। हो सकता है कि हम लोगों को अभी जैसे हम लोगों को 1-8 सुरक्षित सीट भी चाहिए लेकिन तीनों पे तैयारी चलेगी। 1 सुरक्षित सीट भी हम लोग लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 3 सीट रोहतास में लेना है जो 119 की तैयारी पूरे बिहार में चल रही है उसमें से 3 सीटें भी रोहतास की है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश के व्यवसायी फुटबॉल के अध्यक्ष भाई अनंत कुमार गुप्ता जी, मंचन सिंह प्रदेश के नेता विजय जी, इस मंच पर उपस्थित है हमारे बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष। लक्ष्य है सदस्य बनाने का जिला में हम लोगों का है कम से कम 4 लाख। 4 लाख LJP के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे के लिए रखा गया? ये आज हमारा जिला की बैठक है, जिला कार्यकारिणी की बैठक है। कल हमारा कैमूर में था, आज मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य है संगठन को बूथ स्तर तक ले जाना और विधानसभा में हमारी उपस्थिति हो। हम इस जिले के सासाराम जिले के इस नोखा विधानसभा में अपनी दावेदारी ठोकते हैं और हर हाल में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। कल हमारा बैठक काराकाट में है, काराकाट में भी एनडीए और एनडीए के कोई विधायक वहाँ नहीं है। कल हमारा वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे एनडीए का जदयू बीजेपी का विधायक नहीं है वहाँ हम बैठक करके दावा ठोकने जा रहे हैं। मूल रूप से यहाँ 3 सीटों पर हम लोगों की दावेदारी है। सर रोहतास जी, रोहतास मैंने कहाँ कहाँ होगी जी? जो 3 सीट बीजेपी और जदयू माइनस है। मेरा पार्टी का संगठन है भले उस हर प्रखंड में, हर पंचायत में है। हम मजबूत स्थिति में है। आदरणीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले हर गांव में, हर कस्बे में है। हम इससे पहले भी अकेले चुनाव लड़े थे, 29 विधायक जीते थे। हम कहीं से कमजोर नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जनाधार बिहार में बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है। हम संगठन को बूथ स्तर तक ले जाएंगे, ये संकल्प है हमारा।